वेलकम बैक एवरीवन इन दिस नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्लास ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डिटरमाइन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो लेट अस सी द लर्निंग आउटकम्स। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो How to determine the sum of n terms of the arithmetic progression. Okay, so let us revise what we have learned in the previous lecture. हमने arithmetic progression में nth term कैसे find करना है और missing term कैसे find करते हैं ये सीखा था. So let us start our today's class of the arithmetic progression. Sum of first n term of an arithmetic progression. हमने last lecture में nth term of the arithmetic progression find करना सीखा था. अब हमें उनका क्या करना है, sum find out करना है. उनका addition अगर निकालना है तो उसके लिए formula है Sn equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into b. यहाँ पर d यानी कि कॉमन डिफरेंस, n यानी जो भी टर्म हमें फाइंड आउट करना रहेगा nth टर्म, और a मीन्स फर्स्ट टर्म, और sn मीन्स उनका सम. सम को हम sn से डिनोट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 3 -2 -- हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है किसका, फर्स्ट 22 टर्म्स का. तो सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो हियर यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 8. ठीक है, उसके बाद डी, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस. कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम सक्सीडिंग वैल्यू में से माइनस करते प्रीसीडिंग वैल्यू को. 3 - 8 = -5. -2 - 3 = -5. ठीक है, यानी कि डिफरेंस कैसा है, कॉमन डिफरेंस है. और हमारे पास n की वैल्यू भी दी हुई है. n की वैल्यू क्या है हमारी, n = 22, फर्स्ट 22 टर्म का. तो n की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 22. हमें क्या फाइंड करना है, Sn यानी कि सम फाइंड करना है. तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. n की वैल्यू पुट करिए, 22 बाय 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 22 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 5. ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे. फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखे थे, अभी इसे सॉल्व करते हैं. क्या क्या हो जाएगा, क्या लिखा था हमने, 22 बाय 2 इक्वल टू 11 इंटू 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 प्लस 22 माइनस 1 21 और d की वैल्यू माइनस 5 इक्वल टू Sn. यहां पर 11 16 प्लस माइनस माइनस 21 इंटू 5 105 इक्वल टू 11 16 माइनस 105 प्लस माइनस माइनस. ठीक है, 105 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 89. ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कौन सा साइन है, प्लस, प्लस माइनस, माइनस का सिंबल. 11 इंटू 89 9 79. यह हमारी किसकी वैल्यू हो गई, Sn की. इट मींस की सम ऑफ
22 टर्म्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया था. फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 8, फिर क्या था 3, फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 8 था, फिर 3 था, फिर -2. ऐसे ही कब तक, जब तक कि ये हमारा a1 a2 a3 हम करते रहते, कब तक के 822 टर्म्स तक के. ठीक है, ये जो टर्म रहता इन सबको प्लस करने के बाद में क्या सम आता है, -979. आया समझ में आप लोग को? अगर हमें कभी भी सम निकालना है तो कैसे निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ रहता है उसमें उसकी वैल्यू पुट करना है. ठीक है, सो द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -979. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स. अभी हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है, किसका, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का. ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स आर, एन नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4. कब तक करना है, एन तक. कब तक करना है, एन तक करना है. ठीक है, आया समझ में? और हमें क्या फाइंड करना है, इनका सम, यानी कि इन सबको 1 प्लस, जो एस एन हमें कैसे फाइंड करना है, 1 प्लस 2 प्लस, प्लस करते आना है कब तक, एन तक प्लस करके इसकी क्या वैल्यू आती है यह हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहां पर फिर से हमारे पास क्या क्या गिवन है, हियर ए फर्स्ट टर्म गिवन है 1, डी डिफरेंस 2 माइनस 1, 1 3 माइनस 2 1, डिफरेंस कैसा है, कॉमन है. ठीक है, और कहां तक है हमारा लास्ट टर्म, nth टर्म तक है. तो nth टर्म की वैल्यू क्या है, जैसे अभी हमारे पास इसके पहले वाले प्रॉब्लम में 22 टर्म्स थे तो n की वैल्यू 22 थी, अब यहाँ पर nth टर्म है तो n की वैल्यू क्या रहेगी, nth टर्म मतलब n. ठीक है, इसकी वैल्यू n हो जाएगी. हाँ, sn फाइंड आउट करना है हमें, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू n ही है तो n by 2 as it is 2. a की वैल्यू क्या है, 1 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, n की वैल्यू n ही है. d की वैल्यू क्या है, 1. n बाय 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 n माइनस 1. तो n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू एन बाय 2, 2 माइनस 1 1, ब्रैकेट में क्या आया, एन 2 माइनस 1 1, ग्रेटर नंबर सिंबल प्लस 1, एन प्लस 1. तो हमें एस एन की वैल्यू क्या मिली, हमें एस एन इक्वल टू एन बाय 2 एन प्लस 1, क्या मिला, एन बाय 2 इंटू एन प्लस 1. इट मीन्स कि जब भी हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ऐसा कुछ फाइंड करना रहा तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि अभी हम करते हैं, सपोज फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर. ठीक है, तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या है, 50 है. हाँ, तो हमें यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, 50. यहाँ पर भी क्या पुट करना पड़ेगा, 50. आप यहां से करके देखो या फिर ये वाला फॉर्मूले से करके देखो, बात क्या होती है, एक ही होती है, एक ही आंसर आता है.
मगर हम इससे क्यों करते हैं, जिससे कि हमें कम टाइम में इजीली वह सॉल्व हो जाए। ठीक है, आया समझ में? करके देखते हैं। अब हम लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका सम फाइंड करते हैं हम। तो अभी हमने सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला फाइंड किया। क्या फॉर्मूला मिला हमें? एन बाय टू इंटू एन प्लस वन। ठीक है, इनकी जो फर्स्ट पहले एन की वैल्यू डायरेक्टली हमें यहाँ पे दी हुई है, तो वो वैल्यू हम डायरेक्टली एन के बदले रखेंगे यहाँ पर। तो एन इक्वल टू क्या गिवन है? 50। तो एस 50 फाइंड आउट हो जाएगा, इक्वल टू 50 बाय 2 ब्रैकेट में 50 प्लस 1। 50 बाय 2 मीन्स 25, 50 प्लस 1 मीन्स 51। 25 इंटू 51 1275। तो एकदम इजीली आ गया। तो इस तरह से अगर हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना रहा, तो आप लोग ये फॉर्मूले से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इस टाइप से कोई भी नेचुरल नंबर हम इससे फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। क्या क्वेश्चन पूछा हमें? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो दिया हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें कितने टर्म्स होंगे कि जिनका सम कितना आता है, उनका सम 78 आता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है? n की। और 78 सम दिया हुआ है, Sn की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सॉल्यूशन हियर, ए फर्स्ट टर्म 24, डी कॉमन डिफरेंस 21 माइनस 24 इक्वल टू माइनस 3, 18 माइनस 21 माइनस 3। ठीक है, और क्या गिवन है? Sn गिवन है 78, और क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड n। ठीक है, वी नो दैट एस एन इक्वल टू n बाय 2। क्या फॉर्मूला है? हाँ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, याद हो गया आप लोगों को? ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए। Sn की वैल्यू क्या है? 78 इक्वल टू n बाय 2 एज इट इज 2, a की वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू माइनस 3। ठीक है, n बाय 2 इंटू 24 48 माइनस 3 से ब्रैकेट को ओपन करते, तो ये माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एन 3n प्लस माइनस 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 प्लस 1 इंटू 3 3। ठीक है, ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं, तो 78 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू n 48 प्लस 3 51 माइनस 3n 78 इंटू 2 156 इक्वल टू n इंटू 51 n माइनस n इंटू 3n 3n स्क्वायर। अभी हमें n की वैल्यू मिली है क्या? नहीं। क्या मिला हमें?
56 equal to 51 n minus 3 n square. ठीक है, अब जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं. तो ये माइनस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस का माइनस, और यह ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्लस 156 इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं. तो यहां पर 3 से डिवाइड किया, 3 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 1, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर. 51 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स 17 एन, प्लस 156 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, 3 2 6, 52 इक्वल टू जीरो. कैसे इक्वेशन मिल गया हमें, क्वाड्रेटिक. हाँ, कैसे इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में है ये, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है, आता है ना. तो हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, फैक्टर्स फाइंड करना पड़ता. तो हमें यहाँ पर कैसे फैक्टर्स मिलेंगे, 13 × 4 = 52 - 13 - 4 - 17. तो क्या मिल जाएगा हमें, n माइनस 4 एंड n माइनस 13 इक्वल टू जीरो. तो n माइनस 4 इक्वल टू जीरो और n माइनस 13 इक्वल टू जीरो. तो n की वैल्यू क्या आ गई, 4, एंड n की वैल्यू क्या आ गई, 13. कितनी वैल्यू मिल गई हमें n की, दो वैल्यू. दोनों भी कैसी है, करेक्ट है, दोनों भी वैल्यू वहां पे क्या रहेंगी, बोथ वैल्यूज आर एडमिसिबल. ठीक है, सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13. ठीक है, यहाँ पर सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर आइदर 13 और 4. ठीक है, अब आप एन की वैल्यू निकल गई, आंसर मिल गया. मगर हमारे पास क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज क्या थी, क्या थी हमारी सीरीज, ट्वेंटी 4, 21 और 18. अगर एन की वैल्यू 4 है, एन की चार वैल्यू का सम भी क्या हो रहा है, 78 हो रहा है, और 13 वैल्यू का सम भी क्या हो रहा है, 78 हो रहा है, तो यह पॉसिबल है क्या. हाँ, ये यहाँ पर ये पॉसिबल है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट फोर वैल्यू है उसका सम 78 हो रहा है, और जो फिफ्थ से लेकिन 13 तक जो वैल्यू आती है उनका सम करते हैं तो वह वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो. तो 0 + 78 = 78, इसीलिए यहाँ पर एन की कितनी वैल्यू मिली है? हमें 2 वैल्यू मिली है. ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू कैसी है यहाँ पर, वह करेक्ट है. ये हो गया 18. हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या था, माइनस 3 था, तो 18 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म 15 15 - 3 12 12 - 3 9 9 - 3 6 6 - 3 3 3 - 3 0 0 - 3 - 3 - 3 - 6 - 6 - 3 - 9 - 9 - 3 - 6 - 9 - 12. ठीक है, माइनस 12, कितनी वैल्यूज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 वैल्यू हो गई. फर्स्ट फोर को एडिशन करो, 24 + 21 + 18 + 15, इनका सम क्या आता है, 78. अब इनका सम करो, 12 + 12 + 9 + 6 + 3. ठीक है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो एडिशन करने का क्या होता है, सब ये सम, इनका सबका सम जीरो. क्या होता है, इन सबका सम जीरो. तो फर्स्ट फोर सम, फर्स्ट फोर नंबर का भी एडिशन, इट मींस कि सम क्या आया, 78, और 13 नंबर, फर्स्ट 13 टर्म्स का भी एडिशन क्या है, 78. इसलिए एन की कितनी वैल्यू मिली है, 2 वैल्यू मिली, और दोनों ही वैल्यू क्या है, करेक्ट है. समझ में आया आप लोग को, ठीक है. यह सिर्फ चेक करने के लिए है, आप लोग को यही तो प्रॉब्लम में सॉल्व करना रहता है ना, ये सिर्फ आप लोग को अगर चेक करना है तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं.
So let us summarize what we have learned today. We have learned how to find the sum of n terms of an arithmetic progression. And also we have learned how to find the sum of first n positive integers. So in the next lecture, we will continue this topic and we'll see some more examples. Thank you. Thank you for watching this video. Keep learning. Happy learning.